हेलो गाइस, वेलकम टू एंडी टेक इनफो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेस स्मार्टफोन जो आपको अंडर 10,000 में देखने को मिल रहा है। अगर आपका बजट 10,000 है और आपको बेस स्मार्टफोन चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं कुछ मेन पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर हमारे लिस्ट में 3 मेन पॉइंट है। इसमें 4GB रैम होना चाहिए और 64GB इंटरनल स्टोरेज होना चाहिए। इसमें हमें BGMI सपोर्ट होना चाहिए और इसमें हमें सुपर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन भी होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे लिस्ट में यहाँ पर 5वें नंबर का स्मार्टफोन है पोको की तरफ से, पोको M2 रिलोडेड। इसमें हमें मीडियाटेक की तरफ से मीडियाटेक G80 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसमें हमें 5000mAh बैटरी देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको 18W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। ये स्मार्टफोन में हमें फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है। बात करते हैं इसके कैमरे के बारे में। तो यहाँ पर आपको कैमरा डिसेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर उतना बेहतरीन कैमरा सेंसर देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको 13MP का कैमरा देखने को मिलता है। अगर आपका बजट 10,000 है तो आप ये स्मार्टफोन भी ले सकते हैं। हमारे लिस्ट में यहाँ पर 4 नंबर का स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स हॉट 11, जिसमें हमें अंडर 10,000 में 90Hz वाली रिफ्रेश वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको 5200mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको मीडियाटेक हेलियो G17 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। ये इसका थोड़ा डाउन ग्रेड है। यहाँ पर आपको G88 या G80 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, थोड़ा अच्छा रहता। यहाँ पर आपको G17 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसमें हमें BGMI में कोई दिक्कत आने वाली नहीं, BGMI इसमें सपोर्ट होने वाली है। यहाँ पर आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिलने वाला है। हम इसे एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है। अगर आपको एक इंडियन स्मार्टफोन चाहिए और आप एक इंडियन स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो हमारे लिस्ट में यहाँ पर स्मार्टफोन है माइक्रोमैक्स की तरफ से, माइक्रोमैक्स IN2B। अगर आपको एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए तो आप माइक्रोमैक्स IN2B की तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको यूनिसॉक का T610 का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, एक न्यू प्रोसेसर है और इसमें आप BGMI खेल सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। यहाँ पर भी आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिलने वाला है। ये स्मार्टफोन एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है और आप माइक्रोमैक्स का स्मार्टफोन लेना चाहते हो, आपको एक इंडियन स्मार्टफोन चाहिए तो आप माइक्रोमैक्स की तरफ भी जा सकते हो। यहाँ पर भी आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको 18W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। हमारी लिस्ट में यहाँ पर 2 नंबर का स्मार्टफोन है मोटोरोला की तरफ से। अगर आपको एक डिस्प्ले, कैमरा और परफॉर्मेंस आपको सब बेहतरीन चाहिए तो आप मोटोरोला E40 की तरफ भी जा सकते हो। बात करें इसके डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर आपको HD+ की 90Hz वाली रिफ्रेश वाली डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में, तो इसमें हमें 48MP का कैमरा सेंसर देखने को मिलने वाला है। बात करें इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको यूनिसॉक का T700 का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो न्यू प्रोसेसर है और इसमें आप BGMI खेल सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये प्रोसेसर हम G85 और G88 के बीच में का देख सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हमारे लिस्ट में पहले नंबर का स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स हॉट 11S। अगर आपको एक ऑलराउंड स्मार्टफोन चाहिए और आपको अंडर 10,000 में बेस कैमरा, बेस डिस्प्ले और बेस स्मार्टफोन चाहिए तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। बात करें इसके डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें हमें 6.67 इंच की फुल HD+ 90Hz वाली रिफ्रेश वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है। बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक का हेलियो G88 का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जिसमें आप हाई ग्राफिक्स पर गेमिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं। बात करें इसकी बैटरी के बारे में, तो यहाँ पर आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको 18W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो इनबॉक्स होने वाला है। बात करें इसके कैमरा सेंसर की, तो यहाँ पर आपको 15MP का कैमरा सेंसर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए तो आप ये स्मार्टफोन की तरफ भी जा सकते हैं। अब मैं अपना ओपिनियन की बात करता हूँ। अगर आपको बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन चाहिए तो आप इन्फिनिक्स हॉट 11S की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको बजट में हाई रिफ्रेश रेट चाहिए तो आप इन्फिनिक्स हॉट 11 की तरफ भी जा सकते हो। अगर आपको क्लीन UI चाहिए, आपको स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस चाहिए तो आप मोटो E14 की तरफ भी जा सकते हो। अगर आपको एक इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड चाहिए तो आप माइक्रोमैक्स IN2B की तरफ भी जा सकते हो। आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।